हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं विकलांगता के बारे में। यानी कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो बचपन से चल नहीं पाते हैं। जन्म के बाद की जो उनकी कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि उनके जो दोनों पैर हैं वो काम नहीं करते हैं, और उसके चक्कर में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको भी और उनके परिवार वालों को भी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने आप को ही एक बोझ मानता है कि मैं अपने परिवार के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हूं। उसको ये लगने लगता है, क्योंकि जब वो देखता है कि मेरे मदर फादर ऑल टाइम मुझे इधर उधर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और बार बार उनको उठाना पड़ता है मुझे, और मैं चलने में बहुत ही असमर्थ हूँ, चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, जीवन में पता नहीं क्या होगा, क्या करूँगा, तो ये सारी सोच आपके अंदर आती है और आप अपने आप को दुनिया से सबसे अलग समझते हैं, अलग पाते हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये है कि पैर तो आपके खराब हैं, लेकिन आपका और जो शरीर है वो आपके साथ है, आपका दिमाग आपके साथ है, आपकी नॉलेज आपके साथ है, आपका टैलेंट आपके साथ है। तो उन सब चीज़ों को भी यूज़ करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो दोनों पैर आपके खराब हो जाते हैं और बचपन से जब आप इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि आप पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा योग हमारे बरसात में बनता है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो उसके लिए हमें कुंडली के सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस को समझना होगा। सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर केतु या शनि के साथ प्लेस्ड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं वीनस है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड वीनस है और वीनस केतु के साथ प्लेस्ड है। वीनस केतु के साथ यहां पर प्लेस्ड है, वीनस है और साथ में केतु है, और मान लेते हैं कि साथ में शनि भी है, या वीनस केतु का योग यहां पर है साथ में शनि है, या शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, जैसे सैटर्न अगर आपका यहां पर है, सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। या वीनस आपका एट्थ हाउस में है, यानी सेवंथ हाउस का लॉर्ड या तो सिक्स्थ हाउस में हो या सेवंथ हाउस में हो या एट्थ हाउस में हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, या शनि का एस्पेक्ट या केतु का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ता हो, जैसे केतु अगर यहां पर है तो यहां से केतु का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ेगा, या केतु अगर यहां पर है तो यहां से केतु का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ेगा, साथ में यहां शनि बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि यहां शनि नहीं है, शनि यहां पर है, यहां से शनि वीनस को देख रहा है और केतु भी वीनस को देख रहा है। तो अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड इस तरीके से प्लेस्ड हो, तब आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। और एट्थ हाउस का लॉर्ड भी, सेवंथ हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि नहीं है, एट्थ हाउस का लॉर्ड है, एट्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट सेम ऐसी ही है कि एट्थ हाउस का लॉर्ड केतु के साथ है, या एट्थ हाउस का लॉर्ड शनि के साथ है, या राहु के साथ है, राहु का एस्पेक्ट भी अगर एट्थ हाउस में पड़ता है या एट्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, और शनि का एस्पेक्ट भी अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, कि जैसे मान लेते हैं कि केतु नहीं है, केतु की जगह राहु है, और एट्थ हाउस का लॉर्ड वीनस है और वीनस राहु और शनि के साथ प्लेस्ड है, या राहु और शनि का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ रहा है, राहु यहां पर है और यहां से राहु वीनस को देख रहा है, या राहु आपका यहां पर है, वीनस की प्लेसमेंट यहां पर है, राहु यहां पर देख रहा है और शनि का एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, शनि मान लेते हैं यहां पर है, यहां से शनि देख रहा है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है कि सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु शनि केतु से घिर जाते हैं, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर इनके ऊपर पड़ जाता है, तब विकलांगता हो सकती है। और शनि और राहु की प्लेसमेंट अगर सेवंथ हाउस में होती है या एट्थ हाउस में होती है, या शनि या केतु की प्लेसमेंट अगर सेवंथ हाउस में होती है या एट्थ हाउस में होती है, तब भी ये चीजें हो सकती हैं। दूसरा, शनि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, शनि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, और शनि के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाए, जैसे केतु यहां पर है, शनि को देख रहा है, हालांकि शनि की पोजिशन यहां पर अच्छी है,
शनि 10th हाउस में है, या हो सकता है शनि आपके फर्स्ट हाउस में हो, केतु इसको देख रहा हो, राहु इसको देख रहा हो, जैसे राहु यहां पर है, राहु इसको देख रहा है, या राहु यहां पर है इसको देख रहा है, या केतु देख रहा है, केतु मान लेते हैं कि केतु है इसको देख रहा है, या केतु यहां पर बैठा हुआ है, शनि यानी आपका स्ट्रक्चर, तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। और मंगल, मंगल आपकी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है, मतलब जो भी आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो मंगल के कारण है। शनि हमारा स्ट्रक्चर है और मंगल हमारी बॉडी की एनर्जी है। मंगल भी अगर केतु के साथ प्लेस्ड हो गए तब भी आपके साथ विकलांगता हो सकती है। जैसे मंगल मान लेते हैं कि केतु के साथ यहां लग्न में बैठा हुआ है, तब भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। मंगल अगर केतु के साथ 8th हाउस में है, केतु और मंगल का योग 8th हाउस में है, तब भी आपके साथ ये चीजें होंगी। मंगल शनि और केतु की प्लेसमेंट अगर एक साथ में है, 8th हाउस में है, 7th हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, तब भी आपके साथ ये चीजें होंगी। और फर्स्ट हाउस के ऊपर अगर शनि या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब भी आप शारीरिक तौर पे विकलांग हो सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर वीक हो जाते हैं, लग्नेश अगर आपका वीक है, शनि अगर आपका वीक है, मंगल अगर आपका वीक है, तब आप अपने शरीर को लेकर परेशान हो सकते हैं और विकलांगता के शिकार हो सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके कारण आपको कई बार शारीरिक विकलांगता होती है। बचपन से भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जन्म के बाद आप हो सकता है कि विकलांग हो जाएं और जो शरीर है वो आपका प्रॉपर तरीके से काम ना करे, दोनों पैर काम ना करते हों। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और आप अगर इसका आंसर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।